आज रेवाड़ी के बूथ नंबर 74 गणपत नगर में भाजपा द्वारा बूथ पर वर्ष में होने वाले 6 कार्यक्रमों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। बलिदान दिवस के अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष पंडित योगेंद्र पालीवाल ने परीक्षा शर्मा, धर्मपत्नी समाज सेवक गोपाल शर्मा व सैकड़ों की तादाद में महिलाओं एवं युवाओं को भाजपा में शामिल कराया। जिला भाजपा अध्यक्ष पंडित योगेंद्र पालीवाल ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पूरे जिले में हर बूथ पर मनाया जा रहा है। हम सबको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और सरल स्वभाव को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है ताकि सहजता से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सके। उनके जीवन की सीख से मनुष्य हर कठिनाई का सामना कर सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर वक्ता व सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने काफी लंबे समय से जनसंघ में काम किया और उन्होंने धारा 370 के खिलाफ पूर्ण जोर से आवाज उठाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर हमारे इस सामुदायिक केंद्र टाइप के इस भाग पर और आज ऐसे पुण्य दिवस पर जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी और ये देश उनका मनाता है, तो आज ऐसे उसको नापा के इस बलिदान दिवस पर उपस्थित उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए सभी मेरे कार्यकर्ता साथी, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरी पार्टी दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था। और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जब कभी बात आया करती थी तो हम लोग बड़े बनजोशी से काम करते थे, जहां उन्हें बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज वही उस परमात्मा का हम बलिदान दिवस आज मना रहे हैं। मेरे सामने मेरे गुरु प्रेमजी शर्मा बैठे हुए हैं, भाई गोपाल जी भी मेरे साथ जी के साथ ज्वाइन करते तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि हम परिवार में बैठना नहीं चाहते, परिवार छोड़ कर रखना चाहते हैं। हम बैठे हुए हैं और आज जीवन जोश की हिम्मत है जो मोदी जी कहा करते थे कि मेरा 60% इस शक्ति के बदौलत भी सिवा राज सोच की, राज भक्ति की, राज सेवा के अलावा कोई और विचार हमारे दिमाग में नहीं आएगा। तो मेरे सभी साथ साथ ये प्रश्न है कि हम राज सेवा करेंगे और आज हमारी बहन परीक्षा शर्मा, इनके साथ सैकड़ों महिलाओं ने आज जो भाजपा ज्वाइन करी है, मैं इनका पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं अपनी बहन को कि आपका पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान होगा। आपकी हर विचार को जो आप विचार पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखेंगी अमल योग होगा तो अमल किया जाएगा। आपकी जो भी शिकायत आपके मोहल्ले से पड़ोस से है वो आप शिकायतें लेकर मेरे पास लेकर आए, मैं उनका कंसल्टेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करकर उनका निवारण भी करूंगा और मैं यही करता हूं कि इस पूरे मोहल्ले को, इन सभी लोगों को अपने साथ बांध के रखें, क्योंकि एकता की